नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका। आज मैं खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह के बारे में बात करने जा रही हूं। अमृतपाल सिंह को पंजाब सरकार की ओर से भगोड़ा करार दे दिया गया है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद। और उसके बाद वो फरार हो गया पुलिस कस्टडी से, पुलिस की हिरासत से, और अब वो भगोड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि उसकी तस्वीरें भी इन दिनों सामने आ रही हैं जिसमें उसने केश कटवा रखे हैं। ऐसी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं अमृतपाल सिंह की। सवाल यहां यह है, सोचिएगा जरूर कि एक सिख की पहचान क्या होती है। उसके केश गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से भी बताया गया था कि सिख की पहचान केश, कृपाण, कच्छा, ऐसी कई चीजें हैं जो सिख की पहचान होती है, लेकिन मूल रूप से एक सिख की पहचान केश होती है। और जो असली सिख होता है, असली सही मायनों में सिख होता है, वो कभी अपने केश नहीं कटवा देता। और सिखिज्म की तो हिस्ट्री भी उठाकर देख लीजिए, उन्होंने अपने शीश कटवा दिए थे लेकिन कभी अपने केश नहीं कटवाए थे। और जो अमृतपाल सिंह है, खुद को खालिस्तानी अध्यक्ष, जो भिंडरा वाले को अपनी प्रेरणा बताता है, उसने केश कटवा लिए। और जो खालिस्तानी समर्थक, जो इतनी तादाद में उसके समर्थक है, क्या सही में उसको फॉलो करना चाहिए? ये बात सोचने वाली है, तो सोचिएगा जरूर।